हमारे देश में दो पॉलिटिकल पार्टियां काफी चर्चा में रहती है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। इस एक मिनट के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस के विचारधारा पर बनी हुई ये भारतीय जनता पार्टी आखिर कब और कैसे बनी। में कांग्रेस कैबिनेट से अलग होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ नामक पार्टी की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी रह चुके थे और वो नेहरू गवर्नमेंट के पहले कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। लेकिन 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ नामक पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद हुए लोकसभा इलेक्शन को जीतने और कांग्रेस को सरकार से हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन पार्टी के साथ मिलकर एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम था जनता पार्टी, जिसे लीड कर रहे थे मोरारजी भाई देसाई और जयप्रकाश नारायण। 1977 के लोकसभा इलेक्शन को जीतकर जनता पार्टी सरकार में आई और मोरारजी भाई देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। यह पहली बार हुआ था जब भारत में प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का बना हो। लेकिन 3 साल बाद 1980 में जनता पार्टी में चल रहे आपसी मतभेद के चलते आरएसएस की मदद से बनी हुई भारतीय जनसंघ पार्टी के लोगों ने जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया और इन लोगों ने जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जिसे बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आपको इस वीडियो में मिली हुई जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।